अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये लेके आई थी हूवर, छोटा, इसको बोलते हैं कॉर्डलेस हूवर। यानी आप इसको चार्ज करके तो चला सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं। आप इधर उधर इसको लेके मूव हो सकते हैं इजीली। लाइट वेट है, इतना वेट नहीं है इसका। और इसमें है तकरीबन 7.4 वॉलेट की लियोन की बैटरी है और 20 मिनट इसका जो रनिंग टाइम है, यानी ये जो हम चलाएंगे तो 20 मिनट्स चलेगा अगर हम इसको फुल चार्ज किया होगा। इसका फास्ट जो है 4 आवर चार्जर टाइम है, यानी अगर हमने इसकी बैटरी बिल्कुल फिनिश हो गई, डेड हो गई है, तो हम इसको तकरीबन 4 आवर चार्ज लगा के रखेंगे तो तब ये फुल चार्ज हो जाएगा। और कहते तो यही है कि ये जो सक्शन है ये काफ़ी पावरफुल है, यानी जब हम इसको वर्क कराएं तो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, हर चीज़ को अच्छे से खींच लेगा, ठीक है। और इसमें तकरीबन जो है ना 3 जो एसेसरीज़ हैं, एक जो है वो डस्टिंग ब्रश है, ये वाला, ये डस्टिंग ब्रश है। अगर आप ने कहीं से डस्ट वगैरह जहाँ पड़ी हो आपने उस जगह को साफ़ करना हो तो ये उसके लिए वर्क करेगा। ये लॉन्ग नोज़ल ब्रे जो है इसका है, और ये जो रबर नोज़ल है, ये रबर की है, सॉफ्ट सी होती है रबर की, और ये लॉन्ग नोज़ल है, यानी अगर कहीं मतलब इनसाइड कहीं से कुछ साफ़ करना हो, लाइक सोफ़ों के अंदर से या हीटिंग के साथ साथ करना हो तो फिर ये काफ़ी काम आएगी। अभी मैं इसको खोलती हूँ। मैं वैसे लेके आई थी इसको गाड़ी के लिए, कि हम इसको इसमें जो है ना गाड़ी साफ़ करने के लिए लेके आई थी। अब देखते हैं, अंदर से भी इसको खोलते हैं। वही इसकी नोज़ल, हुअर है तो काफ़ी लाइट वेट है वाकई। मैनुअल बुक, ये इसकी बुक है सारी, 3 ईयर इसकी वारंटी है। ये डस्टिंग ब्रश और ये वो जो रबर की नोज़ल है, और ये इसका चार्जर। आई थिंक ये खोलने के लिए, हाँ साफ़ करने के लिए, कि आपने इसको साफ़ करना हो तो ये बटन प्रेस करें तो ये उतर जाता है। इसको भी निकलने का कोई तो होगा, आई थिंक ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकलेगा, पुल लिखा तो ये है। हाँ निकल जाएगा, थोड़ा सा पुल करना पड़ेगा तो निकल आएगा ये। आप इसको साफ़ कर लें, धो लें वापस दोबारा से तो ये हो जाएगा, ठीक है। वापस इसको इसमें इस कैसे कट से लगे हुए हैं तो उनमें वापस ही इसको बिठाना है ऐसे। ये जिस तरह ये कट है ना, इन्हीं में जाके ये बैठेगा। वापस इधर आके लग गए। देखते हैं इसमें एडजस्ट होती है। टेप उतारते हैं, टेप उतार लेते हैं ताकि बटन इजीली मूव हो जाए। मेरे ख्याल में तो इसी तरह लगता है, फिक्स तो सही हुआ इसके अंदर जाके।
मेरे ख्याल में तो, लेकिन फिर भी जो मैनुअल बुक है उसमें भी मैं देख लेती हूँ, इजी रहता है। इसी तरह लगा हुआ था जैसे मैंने लगाया, ठीक है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारी ये सारी ही निकली हैं जो भी इसमें लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, क्या क्या जो है ना हम लोग इससे काम ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है। बिफोर फर्स्ट यूज़, कि आपने फर्स्ट यूज़ करना है तो उससे पहले आपको क्या क्या करना है। जो बॉक्स है उससे निकालना है, रिमूव पैकेजिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, उसके ऊपर जितनी भी पैकेजिंग लगी हुई है वो उतारनी है, एंड सारे उसके जो भी पार्ट्स हैं जो उसके उन्होंने बताए हैं डिब्बे के ऊपर पड़े हैं कि वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, ये चेक करना है, तो हमने वो चेक कर लिए हैं। सारा इसका ठीक है। यूजिंग योर एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ के बताया हुआ है कि ये कैसे यूज़ होगी। रिसाइकलिंग, क्लीन एंड केयर, बस यही है, ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने इसके अंदर लगाई थी ना वैसे ही लगेगा ये भी। इसको देखते हैं, ये भी ऐसी भी मैं इसको चला के देखती हूँ कि वाकई जो उन्होंने बताया ये वैसे ही है या बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो हम ये वाला लगा लेते हैं नोज़ल और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। अभी जो है ना मैं इसका ये उतार के तो दूसरा भी लगा के देखती हूँ कि वो भी सही वर्क करता है, यानी ये तो ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी ये जिस तरफ बता रहे हैं कि ये डस्ट भी करेगा, तो अभी मैं ये स्टेयर्स की जो साइड है ये वाली इस पर भी लगा के देखती हूँ कि अच्छे से वर्क करता है या नहीं। अच्छा जी, अभी ये भी मैं स्टेयर्स पे भी लगा के देखती हूँ, ये जो स्पेशली स्टेयर्स के साथ ये वाले किनारे होते हैं ना ये वाले, इन पे कि यहाँ से भी डस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि डस्ट करता है।
मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आपके लाइक कॉर्डलेस है, आप स्टेयर्स पे या ऊपर नीचे जिधर भी लेके जाएं इजीली लेके जा सकते हैं, इसको वर्क कर सकता है ये, स्पेशली गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। मैं हम लोग तो गाड़ी के लिए लेके आए थे कि इससे जो है वो गाड़ी साफ़ करनी है, लेकिन ये है कि जो हमारी वॉल्स के साथ छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे इससे भी, और वो जो लॉन्ग जो नोज़ल्स वाली है वो उससे भी, जो नोज़ल पाइप सी बनी हुई है उससे भी अच्छे से साफ़ होंगे, और स्पेशली स्टेयर्स के साथ जो किनारियाँ बनी होती हैं ना वो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, किसी ने लेनी है तो बेशक ले लें, अच्छी चीज़ है। एक तो हैवी नहीं है, आप इजीली आगे पीछे इसको लेके मूव हो सकते हैं। अभी मैं इसको गाड़ी में भी चला के देखती हूँ कि गाड़ी को भी इसी तरह साफ़ करता है या नहीं। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं इसको गाड़ी में भी लगा के देखती हूँ, क्योंकि गाड़ी में आपको पता है काफ़ी स्पेशली ड्राइवर सीट पे तो बहुत ही पत्थर वगैरह आ जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो मेरा ख्याल है इसको ना मैं बाहर निकालूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छी चीज़ है, मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे तो पसंद आई है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अभी मैं इसका ये दूसरा टूल लगा रही हूँ, जो डस्टिंग ब्रश है वो वाला, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी साफ़ कर लेते हैं। है देखें, सही साफ हो गई है गाड़ी। मैं वो मैट उठा के वापस इसमें डाल देती हूँ। अभी तो सिर्फ टेस्ट किया है, बाकी तो मैं इसको बाद में बाकी सारी साफ करूँगी। बहुत सर्दी है बाहर। दिया मैंने इसको, बाकी सारा बाद में करूंगी क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, हो नहीं रहा। गाड़ी लॉक कर लूं। ये मैं गाड़ी से एक साइड पे लगा के ले आई हूँ, अभी देखते हैं किसने क्या किया है। पहले तो इसकी जो एडजस्ट वाला ब्रश है ये उतार लेती हूँ मैं, ठीक है। फिर अभी इसको खोल लेते हैं। ये साइड साफ है, फिल्टर खोलते हैं, देखते हैं किसने कितना वर्क किया है। ये देखें, वर्क तो इसने वाकई अच्छा किया है। धोने वाला हो गया, सारी डस्ट वगैरह जितनी भी थी इसने खींच ली है। गाड़ी तो अच्छी सी साफ़ की है, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, जहाँ थोड़ी सी जगह पे मैंने मारा वहाँ पे भी बहुत अच्छे से इसने की है। ये सारा जो है ये सारा गंद इसमें से निकला है, तो अभी मैं इसको दोबारा वॉश करके इसमें लगाऊंगी, ताकि अगर दोबारा जब यूज़ करें तो ये अच्छे से चीज़ों को सक करे। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, चाहे घर के अंदर यूज़ करें या जाके गाड़ी वगैरह में यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।